नमस्कार, मैं गीता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। रायबरेली में जहां साधु द्वारा एक विधवा महिला की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर गांव के कुछ दबंगों ने उसकी जमीन को दान के नाम पर लिखवा लिया और पीड़ित को बताया कि उसके लड़के के नाम पर वरासत होनी है, इसी के लिए उसका बयान लिया जा रहा है। पीड़ित को जब कुछ दिन बाद इसकी खबर लगी तो वो भौचक्की रह गए और न्याय के लिए अधिकारियों के चौखट पर पहुंची। पूरा मामला जिले के बरछावा थाना क्षेत्र के तिलंडा गांव की है, जहां की निवासी कामिनी के पति की मौत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले उसके पुत्र की भी मौत हो गई थी। इस बीच गांव के संदीप राम सेवक व राम प्रकाश ने उसकी जमीन को धोखे से दान पत्र के नाम लिखा ली। उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। जब उसे इसकी खबर लगी तो वो जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची। फिलहाल पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए क्षेत्र अधिकारी महाराजगंज को जांच सौंपी। वही जब इस पूरे मामले पर उनका जानकारी लेनी चाहे तो कैमरे पर कुछ भी ना बोलते हुए उन्होंने बताया कि जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है, जो भी भीतर से निकल कर आएंगे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कार्रवाई में कितना समय लगता है, यह आने वाला समय तय करेगा। कामनी तिलेंडा से क्या समस्या है? समस्या है हमारा औलाद फांसी लगा के माँ डरा गवा और साहेब हमारा खेत बाग लिखवा ली नहीं है और साहेब हम बर्तन रखे आए न हमारा अपन सामान रखे आए नहीं है। अब उसकी खातिर हमारा साहेब सब निकल के माते हम जी पर अब पता नहीं है यू न थी। हाँ संदीप नौवा क्या ये यहाँ तिलेंडा के थाने में क्या हुआ? कुछ नहीं बताई। हम ही आए नहीं है रायबरेली जिला। मुलाकात हुई किसी से? किससे मुलाकात हुई? साहेब से। क्या कहे साहेब को? कुछ बोले हैं? क्या बोले? कुछ नहीं। ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।